विगत हरियाणा के मेवात में ब्रज मंडल धार्मिक यात्रा के दौरान नूह जिले में दो गुटों के बीच हुए टकराव और धार्मिक उन्माद, तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की घटना के बाद राजस्थान के भरतपुर में हरियाणा बॉर्डर से सटी हुई 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा को बंद करने के बाद जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और निगाह रखे हुए है कि हरियाणा से सटे भरतपुर के मेवात इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। भरतपुर संभाग आयुक्त भ्रमण आदेश जारी करते हुए उन्होंने लिखा कि हरियाणा में दो समुदायों के लोगों के बीच तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की घटना के बाद भरतपुर जिले के मेवात इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 21 अन्य ऐसे लोगों के नाम भी उजागर किए हैं जिनकी भूमिका इस हत्याकांड और हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को शरण देने, उनकी सहायता करने और सबूत मिटाने के अंदर रही है। जो घटना हुई है, क्योंकि यहाँ पर भरतपुर में जो घाटमिका हुआ था उसको लेके जो मुख्य आरोपी था उसके द्वारा धमकी दी गई थी और किसी समुदाय विशेष में किसी तरह का आक्रोश नहीं हो या कोई किसी तरह की अफवाह नहीं फैले उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में भी नेटबंदी की गई है और हमने जो नूह के आसपास के जो 3 तहसील हैं उनमें नेटबंदी आज दिनांक 1/8/2023 को प्रातः 26 से लेकर और दिनांक 2/8/2023 को प्रातः 6 बजे तक जो भी सैनिक के लिए नेटबंदी की। और भी बढ़ाई जा सकती है क्या सर? स्थिति पर डिपेंड करेगा, स्थिति की जो है पुलिस से सतर्क है, कलेक्टर साहब और एसपी साहब नज़र रखे हुए हैं क्योंकि जो भी नेटबंदी बढ़ाई जाती है वो जिला कलेक्टर और एसपी के प्रस्ताव के आधार पर बढ़ाई। हरियाणा के नूह में हुआ बवाल, भरतपुर की 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पहाड़ी कामा सीकरी में आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक नेट बंद कर दिया गया है। बता दें संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने नेट बंदी के आदेश जारी किए हैं।